हेलो एवरीवन। अरे भाई इतना भी सीरियस नहीं होना था। यस गाइस, आज बड़े दुख का माहौल है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि हीरो ब्रेनस एमपी खेलना ही बंद कर दिया। लोगों ने सब भूल चुके हैं हीरो ब्रेनस एमपी को। हीरो ब्रेनस एमपी वो क्या होता है, वो होता क्या था? इतनी प्यारी हमारी दुलारी एसएमपी को अचानक से बंद कर दिया गया है बिना कुछ बताए। तो इसीलिए मैं आ चुका हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। यस गाइस, मैं तुम्हें असली रीजन बताऊंगा कि हीरो ब्रेनस एमपी क्यों बंद हुई है। फुल एकदम कॉन्ट्रोवर्सी करेंगे आज हम। वीडियो के एंड तक रुकना पड़ेगा उसके लिए तुम्हें। तो एनीवे, सैड मूड को साइड में रखते हुए आज हम जाने वाले हैं अपनी मेमोरीज रिफ्रेश करने के लिए हीरो ब्रेनस एमपी में। एंड यार भाई, ये मैं अराउंड पता नहीं कितने सालों बाद जाने वाला हूँ वापस एसएमपी में। एंड यस, आओ यार करते अपनी मेमोरीज मेमोरीज रिफ्रेश। भाई बोलना भूल जाता है यार, ऐसे नहीं चलता ना विक्सू। है विक्सू? यस, चलो आओ माइनक्राफ्ट में चलते हैं। क्या ना, माइनक्राफ्ट लॉन्चर हुई 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 हुई। भाई मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ यार? दुखी वीडियो है, प्लीज थोड़ा दुखी रहे। अबे क्या ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? हेलो भाई, प्लीज ऐसे मत करो यार, क्रिटिकल एरर वगैरह। ऑल राइट। अरे भाई साहब, टॉप पे हीरो ब्रेनस एमपी आ गया। यस गाइस, हीरो ब्रेनस एमपी में प्रवेश करने से पहले हम उन पलों को याद करते हैं जो हमने इतने प्यारे पल बनाए थे। यार तू मत ही बोलना, क्यों बोल रहे तू? अगर बोलना नहीं आ रहा तो उन पलों को हम हीरो ब्रेनस एमपी में जाके याद करते। चलो यार, लेट्स गो। ओके भाई, फुल दिल धक धक हो रहा है, 100% हो गया एकदम से भाई। मेरा घर। अबे यार एक सेकंड रुक जाओ। अरे यार नीचे आना भाई। तो यस, स्किन। अरे यार स्किन लगाओ ना। हाँ वेरी गुड। अब आई ना बिक्सू वाली फीलिंग। तो यस, तुम सोच रहे होगे ये तो एकदम स्टार्टिंग वाला है राइट? इसमें मेरा ये नीला नीला घर था। एंड यस मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिया लेना भाई। एंड यस मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिया लेना चाहता। एंड यस मैं थोड़ा अरे यार क्या हो रहा है। एंड यस मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिया लेना चाहता था एंड तुम लोगों को भी देना चाहता था, तभी मैंने ये एकदम स्टार्टिंग वाला, मतलब एकदम स्टार्टिंग वाला भी नहीं है बट हाँ, जो स्टार्टिंग में हमारा इतना प्यारा सा प्यारे माहौल वाला एसएमपी हुआ करता था, मैंने वो वाला मैप लिया है। भाई क्या दिन आ गया, मेरे को यूट्यूब से मैप उठाना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं। ओ यार ये मेरा ब्लू हाउस, टूडे कितना क्यूट लग रहा है भाई। यार अबे यहाँ पे कोई है भी नहीं, फिर भी गेट खुले हुए हैं। देखो यार ये बाज नहीं आएंगे। तो रुको भाई, मेरे को एक एक करके सारी चीजें देखनी है। मुझे नहीं पता चपाती भाई का घर स्टार्टिंग में ऐसे हुआ करता था क्या? बात है भाई। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अज्जू भाई का घर हुआ करता था। एंड ये किसका घर था? भाई लोग मारेंगे भाई, क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, ओ ओके ओके, ये शायद ईशान भाई का घर था। हाँ हाँ भाई, याद है मेरे को सब कुछ, इतना भी टाइम नहीं हुआ है यार। तुम मैं बंद करोगे? मैं लगा रखे यार, मैं भी क्यों इनकी इंटरेक्ट कर रहा हूँ फिर? रुको भाई, मेरे को यार मैं क्या करूँ यार, मैं इतना खुश हो गया हूँ ना यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या जरूरत थी इतने प्यारे से वर्ल्ड को बंद करने की? और ये हमारा प्यारा सा शुगर केन फार्म, हमारा नहीं मेरा, जिसका उपयोग मेरे से ज्यादा सबने किया हुआ है। मैं कुछ करता ही नहीं था इसमें से। देखो गाइस, मैं कितना सबके लिए, मैं कितना सोचता था, मैंने सबके लिए बना के रख दिया था। मेरा कोई सोचता ही नहीं था, यहाँ पे सब टपली मार के भाग जाते थे। तो ऑल राइट, रुको अबे भाई, लाइक को होता एक बार उड़ के मुझे इसका नजारा देखने दो। ओए होए 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 होए, ये था उज्जवल भाई का टावर है ना, जो कि बड़ी बुरी तरह फूटा था, तुम्हें याद ही होगा। एंड ये किसका? अच्छा हाँ, ये कौन है वही? अच्छा मेरे को लगा ये फार्मर। इनको क्या हो गया, इनकी बत्ती जलने लगी सर पे। तो यस, ये फ्लीट भाई का घर हुआ करता था, आई मीन है अभी भी ऑब्वियसली इसमें। एंड ये एंड्रयू का घर। ओ डूड, ओ यार ये कितना स्टार्टिंग वाला घर है। एंड इसकी अंदुमति कहाँ पे है? यस, तुम में से कुछ लोगों को याद होगा अंदुमति। यार कितना नॉस्टैल्जिया आ रहा है यार भाई, इतना नॉस्टैल्जिया आ रहा है, मैं आवाजें निकाल रहा हूँ। ये किसका घर हुआ करता था भाई? हेलो कौन है यहाँ पे? हेलो मे कम इन? ऑब्वियसली मैं आऊंगा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। है क्या है भाई इसमें? ले भाई कुछ भी नहीं है। हद है, ऊपर क्या है? कौन छुपा बैठा है भाई यहाँ पे? ये किसका घर हुआ करता था, मजाक से हटके? भाई आई लिजिट डोंट नो ये किसका हुआ करता था घर। एंड इसमें कुछ नहीं है चेस्ट के अलावा, और चेस्ट के अंदर भी कुछ नहीं है। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे हाँ, तू कारपेट और लगा के चल जा, मैं ये क्यों दूँ इन्हें? अच्छा हाँ, मैं क्रिएटिव में, मैं भूल जाता हूँ डूड, मेरे को अभी एक वक्त के लिए लगा कि मैं सच्ची में हीरो ब्रेनस एमपी में आ गया हूँ। और ये था हमारे स्मार्टी पाई भाई का घर, जो कि पूरा जल जल के राख हो गया था। भाई पता नहीं क्यों इतना वायलेंस करते थे हम। ओ डूड भाई, काफी बड़ा घर बना रखा है स्मार्टी पाई भाई ने। किस किस के साथ रहने का प्लान था यहाँ पे? और बैड भी तो है यार। एक तो मुझे ना आज तक नहीं समझ में आया है, हम घर इतने बड़े बड़े बनाते हैं, ऑब्वियसली बंदा एक रहना, बेड हम दो दो क्यों लगाते थे? और एक बार तो मैंने पूरा एक फ्लोरी बेड में डेडिकेट कर दिया था।
क्या? अरे कंफर्टेबल लगे ताकि, इसलिए कुछ उल्टा पुल्टा मत समझो। ओहो बैल्कनी वैल्कनी सब बना रखी थी। डैम अच्छा, ओ अच्छा यही था क्या घर? ओके मैंने पता नहीं क्या सोचा भाई, एकदम हवाई उड़ान बना रखा हुआ घर को पूरा ऊपर तक। बट ओके इसमें एक ही फ्लोर है, नॉट बैड। वैसे भी वो अकेले रहते थे, कौन सा कोई साथ रहता था उनके। सैड लाइफ। एंड ये था प्यारा सा तबेला। नहीं ये शायद चपाती भाई का था, है ना। ओए यार ये मुर्गियाँ कितनी प्यारी होती है गेम की, ये अभी भी काम में लगी हुई है। कोई यहाँ पे आता जाता भी नहीं है, किसी को मतलब भी नहीं है हीरो बनाने से, फिर भी अंडे दे रही है। रुको तुम्हारे अंडे मैं यूज करूंगा, लाओ सारे अंडे लाओ। गिव मी योर अंडास भाई। ओके दैट साउंडेड बैड। ठीक है मैं जा रहा हूँ, जाने दो। अरे जाने दो भाई। हेलो अच्छा यहाँ से निकलते हैं। अरे यहाँ पे भी नहीं है, निकलू कहाँ से फिर? ओए निकलने का रास्ता। अच्छा यार मैं क्रिएटिव में हूँ यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ एक तो। ठीक है भाई सॉरी। एंड पिद्दू से खेत बना रखे थे यहाँ पे, पता नहीं क्यों बना रखे थे, क्या फायदा था इनका? हाँ भाई उस वक्त जब खाने की कमी होती थी ना फिर पता चलता था, एक दूसरे को ही मार रहे हैं, खाने की कमी हो रही है दूसरों को मार के खा रहे हैं। वाओ ऑलराइट। एंड अब बारी है हमारे प्यारे चपाती भाई के घर की। ओए होए होए क्या एंट्रेंस बना रखी है एकदम से भाई, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं ऊपर चढ़ने के लिए, देखो कुदरत तुम्हें अपने आप ऊपर चढ़ाएगा। ओहो एंड ऊपर चढ़ते ये काटने वाली मशीन, ताकि तुम यहाँ पे नस काट के मर जाओ, क्योंकि एसएमपी तो गए हो भाई, हो एसएमपी नहीं आ रहे हो अब। क्या हो जाता है मेरे को कभी कभी। ओके इसमें क्या? भाई आपने तो काफी माल जमा के रखा हुआ है। चमाती भाई भाई मारेंगे वो पकड़ के। चंपाजी भाई जी आपने तो काफी सारा, कुछ ज्यादा ही नहीं डायमंड के ब्लॉक्स रखे हुए हैं। होली क्रैप इतने डायमंड के ब्लॉक्स है ना, पूरा घर डायमंड के ब्लॉक से बन जाएगा सर। बढ़िया भाई, ग्राइंड फुल ग्राइंडिंग मशीन बन गए थे फुल चपाती भाई। लेकिन यार सभी इक्वली ग्राइंड करते थे और बहुत मजा आता था, लाइक वो एक एक डायमंड और एक एक नेदरराइट के लिए लड़ना, खाने के पीछे लड़ जाना। ओफ मैन पूरी रात भर बैठ के ग्राइंड करना, और सुबह उठते ही एकदम से भाई नेदरराइट का आर्मर ये पकड़ो, सारे पकड़ो। डायमंड तो यूं ही फेंक फेंक के दे रहे होते थे। ओफ मैन वो दिन भी क्या दिन थे। मैं बोलते हुए कितना ही मेरे को ऐसे फील हो रहा है जैसे मेरे 10 बच्चे हो गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बाल बूल पक गए मेरे। और ये है शायद हमारे अज्जू भाई का घर। ओ यार सबने घर बनाने में कितनी सारी मेहनत की हुई थी, सारी मेहनत बर्बाद। डैम अरे ये थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है, ऐसा नहीं हुआ करता था अज्जू भाई का घर? शायद ऐसे ही हुआ करता था, पता नहीं। एक तो मैं आया भी इतने टाइम बाद हूँ, मेरे को याद भी नहीं है कहाँ पे क्या क्या हुआ करता था, कैसे हुआ करता था। एक सेकंड, इनके घर के पीछे क्या क्या हुआ करता था? ओ ये शायद ब्रीडिंग एरिया था। ओ डैम हाँ यहाँ से नीचे जाते थे। एक सेकंड मैं वाटर बकेट करेगा, मैं हूँ क्रिएटिव में बट मैं फिर भी वाटर बकेट करेगा। यच बिच्छू द वाटर बकेट प्रो, लेट्स गो। अरे अच्छा बैठता है यहाँ पे। तू भाई लाल क्यों रखा है, इसकी आंखें क्यों लाल हो रखी है? देख भाई मैं कुछ नहीं करने आया हूँ, तुम्हें लगी तो नहीं शायद इसलिए मेरे से गुस्सा है। हाँ बट ठीक है नहीं लगी। ओके थैंक यू भाई, जा अपने काम से काम रख, निकल देख मत लियो पीछे मुड़ के। ऑल राइट शायद ये ब्रीडिंग एरिया था एंड यहीं पे सारे ऐसे हाँ करते थे बस। एंड इनचैंटिंग वगैरह शायद यहीं से लेके जाते थे, बुक्स वगैरह है ना। अबे ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है? हेलो मतलब बस नीचे आ जाने का, ऊपर जाने का ही नहीं। ठीक है भाई रुको यार, जाने दो मेरे को, जाने का है। रुको यार अब बहुत टाइम हो गया मेरे को, मेरे घर पे भी जाने दो। अरे ये क्या था? ओ अच्छा ये कुछ एक्सपी वगैरह के लिए था है कैसा ना, बेचारे को यहाँ पे फंसा के रखा हुआ है। फ्री होने तुम्हें, फ्री होने अबे इसने भी जीप चढ़ाई मेरे को, तुमने सुना हो वो क्या था? हेलो अबे तूने बोला क्या? ओए आंखों में आंखें डाल के देख, अबे ये क्या हो रहा है? कुछ ये क्या हो रहा है? हेलो भाई कौन चुपके बैठे यहाँ पे? मैंने तो सुना था हीरो बंदों के लिए भाई। ठीक है भाई मेरे को क्या, अरे क्या हो रहा है? ठीक है पता नहीं कुछ तो हो रहा होगा। एंड ये था एक आयरन फार्म आई गेस है ना, आयरन फार्म ही था ना। ओ यस पूरे भाई साहब चल नहीं रहा क्या ये? हेलो अच्छा चल तो रहा है। वाओ डूड ये जो अभी मेरे को एडवांसमेंट मिली ना, ये मेरे को देख के एक तो स्टार्टिंग के दिन याद आ गए जब पहली बार वो आयरन की एंचेंटमेंट मिली थी। एंचेंटमेंट एडवांसमेंट सब भूल गया। थप्पड़ माजी सटक लिए क्यों कर रहा है तू? ओ भाई कैसे बना हो गए मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा है। एंड अब चलते हैं हम हमारे प्यारे ईशान भाई के घर में। ईशान भाई अपुन आ गए लिए, गेट पहले से खोल के रखा हुआ है अपने हमारे लिए। एंड भाई ये देखो इनका स्टाइल देखो, सीढ़ियों के पीछे ही तुम्हें यहाँ पे चेस्ट दिखेंगी सारी, कि बंदा चलते चलते सारा सामान लूट ले। लूट सकते क्या चलते चलते? हेलो ए ईशान भाई डब्बा खोलो। अरे अरे सॉरी, अरे कारपेट। हाँ ठीक है कौन सा कोई खेलने आता है यहाँ पे।
बकेट दो तेंगू, इधर आओ। अरे मेरे को पानी लेने का भाई, अरे पानी लेने का मेरे को, मेरे को पानी दे दो। थैंक यू। पानी ले? हाँ ले लिया। पानी नहीं ले रहा यार, पानी नहीं पसंद इसे। रुको मैं वापस से लगा दूँ। ठीक है भाई, एक तो ये आदत सी बन गई है ना, SMP में कुछ भी खराब होता था 2 मिनट में ठीक करते थे भाई, पंगे ना हो जाए। ओके परफेक्ट। एंड इनके चश्मे क्या है जरा देख के। वाओ इतना सारा सामान है, नहीं चाहिए सामान इतना सारा। एंड ये देखो भाई, इन्होंने तो पूरा ग्रेवयार्ड बना दिया अपने बेड को। अबे यार। और यहाँ पे भी दो दो बैठे, देख रहे हो तुम? सही है भाई, तू जाना रे। ओके ऊपर चलते हैं एंड थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लेते हैं छत पे। डूड मेरा घर कितना प्यारा लग रहा है यार, नॉट गोना लाइक, आई काइंड ऑफ मिस दिस होम। होम देख रहे हो, मैंने होम बोला, हाउस भी नहीं, होम। ओह होम में वो फील है होम बोलने में, बिकॉज ही होम हुआ करता था। ये क्यों बना रखा है? यहाँ पे क्या आपकी सीक्रेटली डांस क्लासेस चलती थी ईशान भाई? बच्चों को बुला के डांस सिखाते थे यहाँ पे? ये बैठने की जगह क्या है ये? यहाँ से क्या देखिए, कौन सा व्यू है? पेड़ ने सारे ये ब्लॉक कर रखा है भाई। कुछ नहीं समझ में आता क्या क्यों बना रखा था, बस ऐसे ही मन करता था कुछ भी बना देते थे। एंड ये छोटी सी खेती टूट, लेकिन तुम देख रहे हो हर कोई, ये देखो मतलब घर में ही खेती उग रही है, लेकिन खेती उगनी चाहिए बिकॉज अपना खाना खुद बना के खाते हैं, फिर बैकग्राउंड में जाके चोरी करते हैं। एंड बारी आई मेरे प्यारे घर की। एंड यस मैंने यहाँ पे साइड में ही फार्म बना रखा था, इनको मैं खाना दे दे के कर देता था यहाँ पे, क्या करता था ब्रीड। हाँ आओ खाना खाओ, ब्रीड हो जाओ, आ जाओ। ओ ये, ओ ये, ओ ये, जी 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 जी, ओ ये मजा आ गया भाई, मैं क्यों इतना खुश हो रहा हूँ। ब्रीड वो कर रहे हैं पैर, अबे पैरेट भी ब्रीड हो गए, अबे तुम्हारे बीच में पैरेट भी है, एक सेकंड। अबे ओए द पैरेट्स एंड बैट्स, क्या अबे तुम चिड़िया लेके घूम रहे हो बीच में? ओए ठीक है भाई, पता नहीं गायब चिड़िया, भूल जाओ अब गायब हो जाओ। एक तो ये वीट था हाथ में, पै 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 लगा रखी है। ओके चलते अपने घर में। ओ भाई डूड एक बार मेरे को निहारने दो पूरी साइड से। ओ डूड ये बैकग्राउंड में सारी चेस्ट रखी हुई थी, पता नहीं ये खाली क्यों है, इसके अंदर सामान तो हुआ करता था। यस मेरे से कभी जिंदगी भर नहीं अंदर रखी गई, मैंने यहीं पे छोड़ दिया, इतना आलसी हूं मैं। एंड यहां से हमारा बैक रूम, यहाँ पे गाड़ी खड़ा सकते थे लेकिन मेरे पे गाड़ी नहीं है गेम में। ये काफी छोटा बना रखे जिसने बनाया, भाई मैंने बहुत बड़ा बनाया था, इसे थोड़ा बड़ा करो। ओ डूड ये प्रॉपर घर वाली वाइब देता था यार। अबे नीचे कैसे जाऊँ यहाँ से? अच्छा हाँ अंदर से रास्ता था, पहले ऊपर चलते है। एंड ये गेट खोला, ओ यार ये हमारी प्यारी सी बैल्कनी जहाँ पे सुबह उठते ही। तू है कौन रे भाई, तू स्टीव क्यों बन जाता है बार बार? जहाँ पे सुबह उठते ही मैं सबको गुड मॉर्निंग बोलता था, नहीं मजाक कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता था, बट हाँ यहाँ से हमारा टाउन हॉल दिखता था, फिर मैं सारी इनकी करतूतें देख सकता था छुप छुप कैसे। ए, क्या चल रहा है, क्या मतलब उन्हें मेरा नेम टैग नहीं दिखता? या क्या मतलब वो अंधे नहीं है? बट यार भाई यार क्यों बन गया यार। एंड यहाँ से नीचे जाने का, एंड ये पता नहीं क्या मैंने बनाया था, कुछ तो बनाया था मैंने, इस घर को इतना सजाने का प्लान किया था, बट यार कभी नहीं आया वो दिन। धोखेबाज कहीं के लोग धोखेबाज होते हैं गाइस। ओके इससे पहले मैं रो दूं, मैं चलता हूं भाई फ्रीड भाई के घर पे, क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है भाई, पूरा यहाँ पे जगराता बना रखा है इन्होंने, गोल 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 नाचो अगर तुम बोर हो चुके हो गेम में, और अगर थक गए तो यहाँ पे वीट तोड़ के खा लो आराम से। वेरी गुड, मतलब सारी सुविधा प्रोवाइड करते हैं हमारे फ्रीड भाई। अरे मैंने वीट तोड़ दिया यहाँ पे, वेरी गुड। ये क्या हुए करते थे? हेलो मतलब क्या इन घरों का, बस यहाँ पे लाके छोड़ देने बंदों को, फिर ऐसे देखते रहेंगे वो यहाँ से। हेलो गेट खोलो, मेरे को लगता है वो यहाँ पे विलेजर्स को लाके बुली करते होंगे, बट यार विलेजर्स को गेट खोलना आता है। ये क्यों बना रखे हैं, क्या है ये? ओके ये शायद घर होगा उनका है ना। अबे नहीं यार घर तो अंडर वाटर था ना उनका तो। ओ भाई साहब चेस्ट, यार मैं क्यों खोलता हूँ चेस्ट, कुछ है ही नहीं यहाँ पे भी चेस्ट। चलो एक ही बैठ है इनका कम से कम। गुड फ्लीट भाई, गुड बॉय जस्ट लाइक मी। क्या आई एम अ गुड बॉय, शट अप। ऑल राइट भाई इससे पहले मैं इनकी पूरी खेती तबाह कर दूं, मैं जाता हूं यहां से। एंड इसके नीचे क्या है? इसके नीचे पानी ऑब्वियसली तेरे को दिख नहीं रहा है क्या बिक्सू? एंड पानी के अंदर मारो डुबकी। ओ भाई ये पिकल, इसके पीछे इतनी लड़ाई हो जाती थी, पता नहीं कहां से लेके आते थे। कौन सांसें ले रहा है भाई, डराओ मत यार। ओ ये रहा मेन घर, ओए ओए रहा मेन घर फ्लीट भाई का। ओ तेरी दी, अरे इनकम्प्लीट है लेकिन हाँ स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ करता था। ओ नाइस। एंड इसके नीचे कुछ नहीं है क्या अभी भी? है अभी भी नहीं आएगा कुछ बीबी भाई तो तोतला हो जाएगा बोलते बोलते। अमीरी देख रहे हो, पूरा सी पिकल से सजा रखा है। ठीक है भाई बढ़िया है। चलो हमारे प्यारे एंडलू भैया के घर पे चलते हैं। भैया एंडलू भैया बिन बुलाए आ गया मैं। यार डूड
यहाँ पे चढ़ना, फिर वो स्ट्रीम में हम फालतू में यहाँ से वाटर बकेट करते थे और क्या मजा आता था यार। अब मुझे सच्ची में बहुत मिस कर रहा हूँ ये, और ये बेचारे का तबेला यहाँ पे, इसकी अनुमति तो है नहीं यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ मैं ही रह लेता हूँ। हाँ भाई तू भैंस है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, भिक्षु द भैंस सब बन जा, तू मैकेनिक, ढाबे वाला भैंस सब बन जा। ओ ढाबा, अच्छा नहीं अभी नहीं बना रखा था मैंने ढाबा, फिर भी मैं देख के आता हूँ, रुको डूड मेरा ढाबा। अरे यार नहीं है ढाबा, अबे मैं यहाँ पे विलेज हुई करती थी। नहीं नहीं विलेज कहाँ हुई थी भाई, बच्चा थोड़ी ना जो बोल रहा, हुई थी विलेज थोड़ी ना हुई करती थी यहाँ पे कुछ भी। अरे भाई कितनी विलेज है यहाँ पे, इतनी विलेज हमें रियल एसएमपी में मिल जाती, मजा ही आ जाता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे प्यारे उज्जवल भाई का जे टावर, जिसकी छतों पे छेद हो रखा है, क्योंकि उज्जवल भाई को बारिश में नहाना बहुत पसंद है, तो उन्होंने अपने घर में ही छेद करवा लिया था कि जब भी बारिश आए उन्हें बाल्टी लेके बाहर ना जाना पड़े नहाने के लिए। ये क्यों कर रखा है आपने, ये सच्ची में क्यों कर रखा है? और नीचे लावा भाई, हाँ सबको डराने के लिए ताकि कोई आए ना, लेकिन यहाँ पे देखो नाच लो कुछ भी नहीं होगा, नहीं गिर सकते, ये देखो मैं नाच रहा हूँ, ये देखो। ए, 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 भाई थप्पड़ खाने के काम कर रहा है। चलो भाई मैं थक गया, अब चलते हमारे प्यारे टाउन हॉल में थोड़ा सा रेस्ट करने। उफ भाई कुछ भी करके काश ये वापस से स्टार्ट हो जाए, काश। टू बी ऑनेस्ट, मजाक से हट के मैं सच्ची में मिस करता हूँ हीरो ब्रेन एसएमपी को, बिकॉज यार बहुत यादें जुड़ी हुई है उसके साथ, वो प्यारे प्यारे कंटेंट बनाना और साथ में वो जो टाइम स्पेंड करते थे सारे कंटेंट क्रिएटर्स मिलके, वो सबसे बड़ी चीज थी। बट यार क्या कर सकते हैं। एंड मैं तुम्हें मेन रीजन तो नहीं बता सकता कि ये एक्चुअली डिसकंटिन्यू क्यों हुआ, बिकॉज वो मेन रीजन अभी किसी के भी थ्रू बताया नहीं गया, तो मैं आई वुड लाइक टू कीप इट अ सीक्रेट। बट यार मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि सिर्फ एक नहीं बहुत सारे रीजन है हमारे प्यारे एसएमपी बंद होने के, बट यार क्या कर सकते हैं, इट्स लाइफ, वी हैव टू मूव ऑन। दुड़ा मेरे को सच्ची में बहुत बुरा लग रहा है। एनीवेज हीरो ब्रेन एसएमपी चाहे ना रहा, आई विल ट्राई टू मेक श्योर मैं तुम्हें बहुत ही खतरनाक कंटेंट ला के दूँ माइनक्राफ्ट का, स्टोरी टाइम कंटेंट, रोल प्ले कंटेंट, एंड चाहे वो एसएमपी वाला कंटेंट हो। एंड इस बार जो मैं एसएमपी बनाऊंगा वो टॉप ऑफ द रूफ होएगा भाई, बस देखते जाओ तुम। तब तक ये छोटी मोटी इंजॉयबल माइनक्राफ्ट वीडियोस तुम इंजॉय करो। एंड या आज की वीडियो के लिए इतना ही, सो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लीव अ लाइक इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट। बीट पे गदर मचेगा खटेगा, पिज्जा सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा, बोलेगा आई स्वेयर, चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।